चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की सब बोलो, जय माता की धीरे बोलो, जय माता की तेज बोलो, जय माता की। तो आज सबसे पहले तो सभी मेरे व्यूअर्स को रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं। आज तीसरा दिन है ये वीडियो में पूरी तरीके से जो अपकमिंग जो नौ वीडियोज आ रहे हैं, जैसे दो वीडियोज आपने देख लिए होंगे, अब मैं आने वाले सारे के सारे वीडियोज माँ दुर्गा को अर्पण करना चाहूंगा। और इसी खुशी में आज कुछ मीठा बनाएंगे, और मीठे का नाम है साबूदाना की खीर। बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में अपन बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक छोटे से छोटा आदमी और एक बड़े से बड़ा आदमी सारे के सारे बना सकेंगे। लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगा, बोलो दुर्गा माता की जय हो। बनावा ते बोलो तो चालू आओ। तो आज आपनी साबूदाना देख लो, सारा का सारा सका सा देख लो। आज आपनी साबूदाना, अब इस साबूदाना का मायने सजू पहले आपने कहीं करना पड़ा लो। इस साबूदाना की खीर जब भी थे बनाओ, 20 पहली 3-4 घंटा पहले आपने इन्हें पानी में सोख कर रख देना, जिसों की आपनी जो साबूदाना जे वह खीर के लिए तैयार हो जाए। 3-4 घंटा इन्हें आपने कहीं बिगाड़ो जाए, सोख करना जाए। अब 3-4 घंटा बस देखो, हमें दोनों में अंतर देखो दे, अत्रो अंतर आ जाए लो। देख लो डंगसू देख लो, ये पतला जे अग मायने जे ही आप कहीं नाम सोख करा ला, अब 3-4 घंटा बजे भाई आन की हो जाए। ठीक है, अच्छी मोटी मोटी कांड तो आपने देख लिया आने, 3 घंटा तक इन्हें बेया तो आपने ही आन को। अब इसु खीर बनावा ला, पहली स्टेप क्लियर। अब आपने का ही करना, एक मायने 250 ग्राम दूध ऐड करना, ज्यादा मत डालो। अगर था कि इच्छा से ज्यादा डालवा की तो ज्यादा भी डाल सको, जो बथा को ऊपर ने डिपेंड कर। 250 ग्राम में दूध डाल दियो, जो कमाई ने इन्हें गर्म हो दियो जब तक। ठीक है, अब कुछ समय पाछे आपनो दूध छबो उबड़वा लागू। देखो थे पहले इन्हें देखो मेरे शकल में क्यों ही कौन भरे जो महाराज क्यों ही कौन भरे। देखो ठीक है, अब आप कहीं कर लाई कमाई ने थोड़ी आज साबूदाना जी बाइड कर देना। ठीक है, आज इतनी भी साबूदाना आप बगरी जी सोक करीजिए पानी में बिगोर भी कमाई थोड़ी देर ना पकाओ ला मीडियम आँच मारा, ये उनसे कितने फुल कर दियो पर मचका दे ना धीमी, और या मीडियम वाला ही पक लिया तो ढंग से। देखो ठीक, देखो ठीक, देखो देखो सुंदरता देखो तो आ आ देखो ये मोते की जहाँ पक जाए लिए थोड़ी देर पास ही दूध में पड़ी पड़ी। ठीक छे, अब थोड़ी देर इन पक बा दियो बेक पास मत आसो दोबारा सु बात कर। देखो अब थे देख रहे होला, ये देखो आपने साबूदाना मोतिया की जहाँ पक गई। ठीक है, तो एकदम सही स्टेज है कि मैंने चीनी गेट दिया जहाँ आप जैसे कि आपने साबूदाना के साथ साथ चीनी भी पक जाए, अंदर चीनी डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से डाल दो चाहे चीनी दो। ठीक है, बट आराम से 5-6 चम्मच गे लीजिए मैंने देख लो। ठीक है, अब इन्हें पकावा आप जब तक किया थोड़ी बहुत थिक ना हो जाए। ठीक है, थिक को मतलब होता है जाडी सीख ना हो जाए थोड़ी सी, जब तक आपने ना डंग सू पकानी से। मैं सोच रहा जो कि आ खीर बना होती देर योगा ही कर लिया, योगा में तो जनसलाटी चाहे अब आपने जनसलाटी याद कुनिया की करा। देखो ठीक ना, देखो धीरे धीरे अपनी अपनी अरे भाइयो बहनो अपनी दूध और साबुदाना पग बो स्टार्ट होगी जय गाई करनो जे अड़ी ने। देखो 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 दे चंचलाटिया अलग ही माहौल बन रहे हो जाज वो हो थोड़ी कम कर लियो नहीं नीचे लाग जाए नहीं पाच थे बोलना महाराज थे तो नटखट वो ज्यादा। लेकिन माँ दुर्गा की पूजा जब तू करवा लगे जब तू नटखट तो होगा मैं बहुत ज्यादा अड़ी देखो थोड़ी देखो ये ये रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत बात कही जे सारा व्यूअर्स ने, बस मैं एक ही बात बताओ चोला कि साबूदाना चीनी और दूध इन्हें ढंग से पकाओ थे। आप कहीं करा जा बहुत सारे व्यूअर्स ने तो मैं देखे जूँ या बहुत सा मैं जब पर्सनली मैं मेरा घर में भी देखू तो कि साबूदाना बॉयल कर बनाओ जो बोलो अब कि साबूदाना कदे बॉयल करी ही कौन जा सके, कदे भी बॉयल कौन करी जा सके महाराज। एक रीज़न कहीं जे बॉयल कर दूला तो वो हलवा बन जाए, हलवा की कोई बने जी है
मोटी मोटी बात अब थाने बता दी डंग सुई दूध का मायने पकाओ साबुदाना अगर थोड़ी बहुत कच्ची भी रह जाए तो टेस्टी अलग आओ हाँ मेरो दाऊज उनको देखो इन पकाओ बचाओ साबुदाना में मत की जाऊंगी ठीक है। अब आप कहीं कर ला देखो ओरियो केसर पाउडर इसी जगह से केसर भी ले सको जो ताकि डिपेंड अगर सफ़ेद खाओ जाओ तो सफ़ेद खा लो नहीं केसर तो सही है भाई ठीक है। अब मैं कहीं गुलाम थोड़ा सो कहीं गुला ये साबुदाना गेर कमाएने ये मिलाऊंगा देखो ये ठीक है मिला दियो अभी कमाए नहीं है कि निकाल दो ठीक है जी। अभी ना मिक्स कर दो बढ़िया तरीका से आगो कलर देखो मैं रिकमेंड कौन करूँ ला चीज कि कहीं नाम से सैफरन या सैफरन पाउडर डालो था कि अच्छा अच्छा तो डालो नहीं अच्छा जे तो मत डालो था पर डिपेंड जैसा क्यों सैफरन जे तो सैफरन डालो सबसे बढ़िया चीज है सैफरन मतलब केसर ठीक जाओगी तैयार एक मायने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दो जिसको कहीं अपनी बढ़िया लगे ठीक है। ड्राई फ्रूट्स में किसमिस भी डाल दो जो पिस्ता बादाम जो भी था कंजे से डाल दो ठीक है। अब देखो आपनी होगी तैयार साबुदाना की खीर ठीक है। तो आपने साबुदाना की खीर देख लो चाहिए आराम से देख लो आराम से कोई तकलीफ वाली बात नहीं सैफरन वाली जा अपनी आपनी होगी तैयार अभी घर तो कर करो ट्राई चैनल करो सब्सक्राइब और शेयर तो नहीं करना ही पड़ेगा देखो थे जिगरी रहेगा और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो कमेंट तो थे बेल रख करो ला जत्रो ही मजो जाए क्योंकि इन नवरात्रा में ही मजो आ बाड़ो जो कि नौ दिन नौ रेसिपी के साथ ओ कंसेप्ट के साथ मथा के साथ आतुरूला और ज़्यादा से ज़्यादा बस एक ही बात बोलूँगा जोर से बोलो जय माता।